जिसमें देश के तमाम लोगों ने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाना है। और जब देश आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा तो देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश कहलाए, इसके लिए हमने अगले 25 साल काम किया। और उसी विषय को लेकर मोदी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक कहा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, किसी भी देश की तरक्की बगैर बिजली के नहीं हो सकती। अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए पावर चाहिए। है अब मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आया। अभी मैम कह रही थी मैं इस क्षेत्र का हूं, मैम मैं इस क्षेत्र का तो हूं, लेकिन आज जो कुछ भी हूं इस क्षेत्र के लोगों की वजह से हूं। और हम सब ने देखा भी है। देखिए आलोचना वो करते हैं जो काम नहीं करते, जो काम करते हैं वो किसी की आलोचना नहीं करते। लेकिन हमने वो समय भी देखा है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, जब गांवों में 10-12 घंटे बिजली आती थी, शहरों में घंटों घंटों के कट लगते थे, बिजली आती कम थी ज्यादा जाती ज्यादा थी। क्योंकि कुछ समय से मेरे पास इस विभाग का दायित्व राज्य मंत्री के तौर पे आया है, तो मैं सारी चीजें देख रहा हूं बारीकी के साथ कि पिछले 8 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे मंत्री आर के सिंह जी की रहनुमाई में जो पावर सेक्टर में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज हमारी पावर कैपेसिटी कितनी? 404 गीगावाट। और हमारी पीक डिमांड जो है वो कितनी है? 215 गीगावाट। मतलब पावर सेक्टर में इतना, और सिर्फ पावर सेक्टर में सिर्फ हमने उत्पादन बढ़ाया ये नहीं है,